हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद से कैसे अपनी आईब्रोज को शेप दे सकते हैं वैक्स के ज़रिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है राउंड ब्रश की ज़रूरत होगी और इसकी मदद से जो हम सारे अपने हेयर्स को जो है ब्रश कर लेंगे इस तरह, जैसे मैं कर रही हूँ। अब सीज़र की मदद से जितने भी एक्स्ट्रा हेयर हैं उसको कट कर लें। आप देख सकते हैं इस तरह से प्रॉपर कटिंग कर लें। बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं करना है, सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर कट करने हैं। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हार्ड वैक्स और ये वैक्स इजीली आपको मिल जाती है। और मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ टूथपिक, जिससे हमें जो है इजीली वैक्स लगाने में आसानी रहेगी। एक प्रॉपर लाइन की तरह वैक्स लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब इस वैक्स को अप्लाई करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल सेम ऐसी ही। आप मेरे तरीक़ेकार को फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छी अपनी आईब्रो को शेप दे सकते हैं वैक्स के ज़रिए। तो आप देख सकते हैं हमें बहुत ज़्यादा हॉट वैक्स यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा हॉट लगाने से आपकी स्किन बर्न हो सकती है। और आप देख सकते हैं मैं स्मॉल स्मॉल पैचेस ले रही हूँ, इसलिए कि स्मॉल एप्लीकेशन कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक साथ पूरा एक पैच नहीं लगा रही हूँ, स्मॉल पैचेस कर रही हूँ। उससे ये होगा कि आपकी जो है आईब्रोज जो है ख़राब नहीं होंगी, एक्स्ट्रा हेयर्स ही रिमूव होंगे, आपकी शेप में से आउट नहीं होगा अगर आप स्मॉल स्मॉल एरिया कवर करेंगे। सो वैक्स करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा हेयर रहते हैं उसको हम ट्वीज़र की मदद से रिमूव कर लेंगे।
अक्सर जो है स्मॉल हेयर्स रह जाते हैं, प्रॉपर वैक्स से नहीं निकल पाते, तो वो हम ट्वीज़र की मदद से उनको रिमूव कर लेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। सो ट्वीज़र से हेयर निकालते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी स्किन साथ ना आ जाए। अक्सर जो है हमारी स्किन ट्वीज़र के साथ पुल हो जाती है तो स्किन पे कट आ जाते हैं। तो बड़ी एहतियात से जो है आप यूज़ करें और जो भी आपके स्मॉल हेयर रह गए हैं उनको ट्वीज़र की मदद से ईजीली रिमूव कर लें। अब दोबारा से चेक कर लें ब्रश की मदद से, अगर अभी भी कोई मज़ीद एक्स्ट्रा हेयर रहते हैं तो उसको कट कर लें, ताकि जो है एक्स्ट्राज हेयर इजीली कट हो जाएं। ये देख सकते हैं, इस तरह से प्रॉपर ब्रश की मदद से चेक कर लें। अब हम आईब्रोज के सेंटर में वैक्स लगाएंगे। अब ये डिपेंड करता है, आपको अगर ज़्यादा गैप रखना है आईब्रोज के बीच में तो उसी हिसाब से अपनी वैक्स एप्लीकेशन करें। किसी को जो है बहुत ज़्यादा कम गैप चाहिए होता है, बहुत अच्छा नहीं लगता, तो आप अपने लिहाज से वैक्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से हार्ड वैक्स लगाने के बाद उसको प्रेस करके फिर रिमूव करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी आईब्रोज की शेप कंप्लीट हो गई है, और अब मैं अपनी आईब्रोज को कंसीलर की मदद से हल्का सा शेप दूंगी, लाइक पॉपअप करूंगी आईब्रोज को, ताकि मेरी आईब्रोज जो हैं वो इन्हेंस हों प्रॉपर और अच्छी लगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं अपनी आईब्रोज को कंसील कर रही हूँ। और ब्रश की मदद से मर्ज कर देंगे इस तरीके से, और आप देख सकते हैं ये मेरी जो है आईब्रोज की फाइनल लुक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।